Take a look at what happened. दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुआ हमला भारत के लिए एक सबक भी है और चेतावनी भी। इस हमले के बाद भारत और अमेरिका में कई समानताएं देखी जा सकती हैं। समानता कि कैसे देश विरोधी ताकतें यहां भी मोदी जी के खिलाफ लामबंद हुई हैं और मोदी विरोधी नैरेटिव चलाकर हिंसा के लिए उकसाती रही हैं। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। गुजरात समझ रहा है 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना दे, राठी की गोटी काट देंगे। अमेरिका में एक घटना भले ही कुछ दिनों पहले घटी हो, लेकिन भारत में इस तरह के हादसे की स्क्रिप्ट विपक्षी नेता कई सालों से लिख रहे हैं। देश ही नहीं विदेशों में भी लोकप्रिय भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी की राष्ट्रवादी छवि से बौखलाया विपक्ष उनके खिलाफ जानबूझकर नफरत का माहौल पैदा कर रहा है। लोगों को भड़काने के लिए मोदी जी को लोकतंत्र पर खतरा और तानाशाह तक कहा गया। ये आखिरी चुनाव है, मोदी अगर फिर से आए तो नई चुनाव होंगे, नहीं करने देगा और डिक्टेटरशिप। विपक्षी दलों ने देश में यह भ्रम फैलाया कि मोदी जी अगर देश सेवा के लिए तीसरी बार चुने गए तो संविधान को खत्म कर देंगे, लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया भी समाप्त कर देंगे। अपने झूठ को विपक्षी दलों ने बार बार दोहराया और यहां तक कि मोदी जी के लिए अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। याद कीजिए 2013 में पटना रैली में विस्फोट को, भीमा कोरेगांव में हत्या की साजिश को, बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए पतनाम पंजाब में, 2022 में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में हुई भारी चूक को। देश जानता है कि कैसे कांग्रेस देश का सौहार्द बिगाड़ने के लिए देश विरोधियों से पैसे लेकर देश विरोधी एजेंडा चला रही है। ऐसे लोगों को सराहती है जो पीएम मोदी की हत्या की बात करते हो। वे ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी इन सब देश विरोधियों के मंसूबों के बीच एक मजबूत ढाल बनकर खड़े हुए हैं।